गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिफ्थ क्लास की हिंदी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने भाषा और व्याकरण ये पहला चैप्टर था हमारा। उसमें पहले हमने भाषा की परिभाषा देख ली थी। भाषा के तीन रूप हैं। तीन रूप कौन कौन से थे? मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। ठीक है, अब उन रूपों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला रूप कौन सा था आपका? मौखिक रूप। मौखिक रूप पहला रूप कौन सा था? तीन भाषा के तीन रूप थे, जिनमें पहला था मौखिक रूप। जब हमें अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने सामने प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर दूसरे उन्हें सुनकर हमारी बात समझते हैं उन्हें मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक रूप कहते हैं। मैंने भाषा की परिभाषा बता दी थी आपको, भाषा के तीन रूप बताए थे। ठीक है, भाषा के तीन रूपों में पहला रूप कौन सा है? मौखिक रूप। मौखिक रूप का मतलब होता है कि मौखिक यानी मुख से बोल करके जो हम प्रकट करते हैं, अपनी भाषा का माध्यम समझाने के लिए प्रकट करते हैं, उसे मौखिक रूप कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे सुन करके हमारी बात को समझते हैं, उन्हें मौखिक रूप कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को हम समझाने के लिए बोलते हैं और बच्चे उन्हें सुन करके समझते हो, आप जो हम बोल रहे हो उनको सुन करके समझ रहे हो, ये क्या हो गया? मौखिक रूप हो गए। ठीक है, दूसरा रूप आपका था लिखित रूप। दूसरा रूप कौन सा था आपका? लिखित रूप। लिखित रूप में है कि जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं
उन्हें लिखित रूप कहते हैं। देखो इन दोनों में हमें आप जब बोल करके लिखते हैं तो वो भी रूप हो गया, जब लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या हो गया, लिखित रूप हो गया। तीसरा रूप था आपका सांकेतिक रूप, सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप में देखिए जब हम कोई बात इशारों या संकेतों जब हम कोई बात इशारों या संकेतों के द्वारा समझाते हैं उन्हें सांकेतिक रूप कहते हैं। देखो तीसरा रूप कौन सा हो गया आपका, सांकेतिक रूप, यानी जब हम कोई बातों को या किसी बातों को इशारों के द्वारा समझाते हैं तो वो कौन सा रूप हो गया, सांकेतिक रूप। इसका परिभाषा देगी यहाँ पर, जब हम कोई बात इशारों या संकेतों के द्वारा समझाते हैं उन्हें सांकेतिक रूप कहते हैं। आपकी भाषा की परिभाषा होगी, भाषा के तीन रूपों में पहला था मौखिक रूप, दूसरा था लिखित रूप और तीसरा कौन सा था, लिखित रूप। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए भाषा के कितने चरण हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर भाषा के प्रयोग के चार चरण हो गए हैं और कल पढ़ेंगे। ठीक है।